जैन धर्म अनादि निधन है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को आधार मानकर जैन धर्म इसके अनुयायियों और संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए आत्म कल्याण के अमर संदेश का प्रतिपादन करता है। जैन परंपरा में इसी अमर संदेश की याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 लक्षण महापर्व आता है, जो अपने 10 धर्मों के माध्यम से प्राणी मात्र को आत्म शुद्धि और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। 10 लक्षण महापर्व 2023 के पावन प्रसंग में देश भर में जगह जगह अनेक प्रकार के मंगलकारी भव्य आयोजन किए गए। इसी श्रृंखला में एक आयोजन हुआ मध्य प्रदेश की धर्मनगरी सागर में स्थित भाग्योदय तीर्थ में। यहाँ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिनांक 19 से 29 सितंबर 2023 तक सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। अपने इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में हम आपको प्रतिदिन इसी समय इस भव्य आयोजन के विशेष अंशों को दिखाएंगे। आज प्रथम कड़ी में प्रस्तुत है उत्तम क्षमा दिवस के दिन आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश। आज के कार्यक्रम प्रसारण पुण्यार्जक हैं शिविर में प्रथम दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर के रूप में पधारे श्री अमृत लाल जी सिहोरा परिवार। 19 सितंबर 2023 का शुभ दिवस था, यानी दशलक्षण महापर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा। इस दिन का शुभारंभ करते हुए भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांत धारा की। प्रभु की द्रामदीम द्रावदवन वरते भगवते श्रीमते। पूज्य मुनि श्री ने स्वयं अपने श्रीमुख से शांत धारा के पावन मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त त्यागी व्रती गणा सबस्य वरार्थी गणा आज के शांति श्रावक श्रेष्ठी पुण्यार्थक परिवार श्री अमृत लाल जी जन सिहोरा वाला परिवार से प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री नाम अमृत लाल जी सिहोरा और द्वितीय शांति धारा श्री प्रमोद कुमार अनिता आशु चांदनी जैन अमन अंशुल वीर समस्त राहतगढ़ परिवार से कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगता मुत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामनित बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम भीम त्रि भगवान के मस्तकों परि छत्रत स्थापयामि उद्यच्छ शांत सुचि निर्जर सर श्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के हो मुक्ति नगर गामी उतारी धारी आरती। तत्पश्चात शिविरार्थियों द्वारा विधान एवं पूजन आदि से संबंधित पावन क्रियाओं को संपन्न कराया गया। गुरु वंदते जे नमोस्तु नमोस्तु। कार्यक्रम परिसर में मधुर प्रभु भजन की रसधार बह चली और भक्तगण भाव विभोर हो विधान एवं पूजन आदि करने लगे। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। क्या बात है। तारे शरणम भव जामि हरे शरणम भव जामि। यानी जो देश वृत्ति है प्रतिमा धारी से लेकर के इलक छुलक आरिकाएं ये ईसत पवित्र में आते हैं, ये दोनों मिलकर के और अविरत सम्यक दृष्टि जो है तीनों मिलकर के भगवान की क्या करते हैं हर अवस्था में क्या करते हैं पूजन करते हैं ध्यान करते हैं। ओम ऋषरसिद्धाचार्यपद सरसाधुभ्य अर्घ्यम निर्ववामिते। इस क्रम में भक्तों ने दशलक्षण धर्मों के अर्घ्य प्रभु चरणों में समर्पित किए। अर्घ्यम निर्ववामि मृ उत्तम सौचि धर्मांगय नमः अर्घ्यम निर्ववामि। हरि बाबा का जयकारा बल जोर शोर से भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। ओम ह्रीं सर्वे पूज्यपदेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्ववामिति। इस बीच तत्वार्थ सूत्र का पाठन हुआ जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए।
तस्य व्यजनस्या वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयने द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुल मति मनः पर्यया विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः ओ सात तत्व में जीव तत्व के रत्न त्रय का किया बखान श्री आचार्य उमा स्वामी और सूत्र महान को नम्र प्रणाम ओम रीम तत्वार्षुध सद्य प्रथम अध्याय नमः अर्घ्यम निर्ववामिति। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों श्री अमृतलाल जी सिहोरा परिवार द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। पूज्य साधुगणों को शास्त्रादि भेंट किए गए। पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे श्री अमृतलाल जी सिहोरा परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। आज के श्रावक श्रेष्ठी सारी मांगलिक क्रिया कर रहे हैं, कल के श्रावक श्रेष्ठी जो भी हैं, क्या नाम है शिव। ऐसे मंगल अवसर पर पूज्य मुनि भगवंतों द्वारा सभा को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया गया। जैसे 24 तीर्थंकर भगवंतों के पांच पांच कल्याणक हुआ करते हैं, दीपावली आदि हुआ करते हैं, ये नैमित्तिक पर्व की कोटि में आ जाया करते हैं। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व हैं, अष्टमी चतुर्दशी है, 16 कारण हैं, ऐसे पर्वों को अनादि अनिधन पर्व कहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि 10 लक्षण पर्व की भक्तियाँ आगम में नहीं कहीं मूलाचार आदि में, इतना ध्यान रखना कि 10 लक्षण की भक्ति भले ही ना कहीं हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये 10 लक्षण धर्म संबर तत्व के अंतर्गत आने वाले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने नवम अध्याय के दूसरे सूत्र में श गुप्ती स्मृति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्रय यहाँ धर्म को स्वीकार किया है। और ये धर्म कोई आदि नहीं होता है, इस धर्म का पालन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं आज तक, जितने भी सिद्ध बने हैं, सबने इसका पालन किया है। इस अपेक्षा से इसको अनादि अनिधन पर्व की कोटि में लिया जाता है। ऐसे पर्वों को मनाने के लिए हमारे लिए मनुष्य पर्याय आज उपलब्ध है। ये मनुष्य पर्याय का एक एक दिन पर्व के रूप में हुआ करता है, हम किस तरह से मनाते हैं इसके विषय में शास्त्रों में कहा है कि धर्मात्मा तीन प्रकार के होते हैं। एक धर्मात्मा तो होता है पत्थर की भांति, और दूसरा धर्मात्मा होता मिट्टी की भांति, और तीसरा धर्मात्मा होता रुई की भांति। आप अपने आप को परीक्षण कर लो कि आपने ये पर्व मनाए, आपने इन पर्वों के साथ में क्या खोया और क्या पाया। ये पर्व वास्तव में आनंद प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले पर्व हुआ करते हैं। इन पर्वों के दिनों में कहीं हमारे अंदर कोई संकलेश भाव पैदा तो नहीं हुआ, कोई ग्रद्धता पैदा तो नहीं हुई। हम कितना धर्म कर सके इस बात पर अपन को स्वयं को विचार करना है। पर्युषण पर्व, ये शब्द की व्याख्या यहाँ पर की गई है तो उन्होंने लिखा है पर्युष का अर्थ होता है प्रातः काल, भोर भी कहो प्रभात कहो, और जो ऐसी प्रभात में पर्व का अर्थ होता है पावन है ना, तो ये सोचना पर्युषण पर्व अर्थात ये शब्द कहता है पावनता की सुबह, सुबह सुबह का वातावरण पावन वातावरण है, पुनीत वातावरण है। अर्थात अपने आप के जीवन को पावन बनाना हो, अपने जीवन की पवित्रता तुम्हें लाना हो, तो प्रत्येक दिन ऐसा पर्युषण जैसा हमारा दिन होना चाहिए। पर आज तो पर्युषण का विशेष दिन है,
और वो भी कौन सा दिन है जिसके कहते हैं उत्तम क्षमा। एक लोगों से पूछते ये बताओ कोई व्यक्ति अच्छा मकान बनाता है बहुत अच्छा बहुत खर्चा किया और फिर बाद में उससे कहें कि एक काम करो दरवाजा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है तुम तो ऐसा सामान से छोटे दरवाजों बना दे तो वह अच्छा सुंदर मकान बनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आदमी अपने मकान के द्वार बहुत अच्छे सुंदर बनाते हैं। अगर प्रवेश द्वार अच्छा है तो मकान की सुंदरता अपने आप सुंदर दिखाई देती है और अगर प्रवेश द्वार अच्छा नहीं है तो आपका मंदिर का अंदर का मकान सुंदर है तो फिर आदमी कहते कैसा कंजूस आदमी है इतनो बड़ो मकान बनाओ और आगे से खंडर रखा कबाड़ा करके रखा है। वैसे ही वो पर्व की शुरुआत है किससे शुरुआत हो रही है उत्तम क्षमा से और जो क्षमा का द्वार अच्छा है प्रवेश द्वार है मंगल द्वार है वो अच्छा होना चाहिए। विचारों से अच्छा सजा हुआ परिणामों से अच्छा बना हुआ और जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा वात्सल्य भाव समाया हो वही क्षमा भाव का धनी हो सकता है। आज आप लोगों ने पूजन में क्या कहा अति क्रोध यज्ञ बुझाए प्राणी किससे बुझाए साम जल ले सीरा। आज के श्रावक और फिर सभी श्रावक गणों ने स्वाध्याय की कक्षा में भाग लिया। तीन प्रकार की क्षमा होती है वो तीन प्रकार की क्षमा कौन कौन सी है समता रूपी जल से और क्षमा रूपी जल से क्रोध को शांत करना चाहिए। एक 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 पॉइंट और रह गया। हाँ ठीक है वो शांति क्षमा शांति का वही अर्थ है एक समता रूपी क्षमा और एक शांति रूपी क्षमा मौन आ जाओ बहुत अच्छा। इस तरह श्रावकों द्वारा पूज्य साधुगणों की मंगल देशना के माध्यम से शुभ श्रावक संस्कार प्राप्त किए गए। परमात्मा और बड्डमयी माने बढ़ती हुई बुद्धि ऐसे दो शब्द आपको याद रखना है कहां के पहले चरण के। स्वाध्याय की कक्षाओं के बाद पूज्य मुनिश्री द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र पर आधारित मंगलवाणी का प्रतिपादन किया गया। सूत्र किसे कहते हैं सूत्र का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे अर्थ को एक छोटे से शब्द में समाहित कर देना। जैसे कि बिखरी हुई मोती के दाने हैं और जब वो बिखरे हुए मोती के दाने होते हैं तब तक वो माला नहीं बनती लेकिन उन दानों को जब एक सूत्र में जाकर के प्रो करके रख देते हैं तो एक माला का रूप बन जाता है। ऐसे ही अनेक मोतियों को अच्छे अच्छे तत्व पदार्थ जो सात तत्व हैं नौ पदार्थ हैं छह द्रव्य हैं सारे के सारे तत्वों का समावेश इस ग्रंथ में किया गया है। इस दौरान पूज्य मुनिश्री द्वारा भक्तों को पूर्ण विधि पूर्वक ध्यान करना सिखाया गया। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु अच्छे से ध्यान करने के पहले एक अच्छी मंगल भावना बनाते हैं और मंगल भावना के साथ फिर अपन करते हैं छोटा सा आज उत्तम क्षमा धर्म का ध्यान। ऐसे सुमंगल अवसर पर सायंकाल की मनोरम बेला में भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव की भक्तिमय मंगलमय आरती की गई। नारागी की ना देशी की।
ही शुभ मंगल दीप सजाए हो, मैं आज उतारू आरतिया सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामणि राज की। हाथ खोल के हम लेकर घट के दीप झुकाए शीश, तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा। हम लेकर घट के दीप झुकाए शीश, तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। बाजे चम चम जय हो, बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। सावक बंदो आनंदकारी सातवी आरती श्री जिनवाणी हो, पंखेड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुर रे, पंखेड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुर रे, मेरे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों ने खूब भक्ति की। मेरे गांव के श्रावक भाई जल्दी आओ रे, ओ मेरे बाबा की भक्ति को जल्दी आओ रे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए भक्ति के पतंग देखो, उड़ी उड़ी जाए तिम चवर धुलाए के, होके मन में मगन नाचू मैं आज छम 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 तो दर्शकों इस तरह से भाग्योदय तीर्थ में आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर का प्रथम दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न किया जाता है। बड़े ही आनंद पूर्वक श्रावक गण 10 लक्षण महापर्व के उत्तम क्षमा के मंगलकारी दिवस को मनाते हैं। कल फिर उपस्थित होंगे हम इसी समय इसी चैनल पर इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की दूसरी कड़ी में, जिसमें आप अवलोकन करेंगे 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव को शिविर में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।